है कि मतलब जिस उम्र में इंसान काम करने की तो बहुत दूर की बात है, वो अपने जो मेन उसका एक मकसद होता है, जो माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ ले, उस पर भी शायद फोकस नहीं होता। और आप वहां वो जो जज्बा आपने दिखाया 16-17 साल की उम्र के अंदर व्यापार करना और 5,000 से उतना बड़ा ले जाना, तो मैं ही मानता हूँ कि बिजनेस कोई भी रहा हो लेकिन जज्बा बहुत जरूरी था। और बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और मैं ये बात कई बार जब आज सुनता हूं हमारे इंडस्ट्री के अंदर, कई बार लोग बोलते हैं सर मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं, मुझे मोटिवेट कर दीजिए, राइट, या मेरे तो डाउनलाइन कॉमन बहुत कॉमन चीज वर्ड है, है। राइट, या सर पता नहीं क्यों इच्छा नहीं कर रहा, या हिम्मत नहीं कर रही काम करने के लिए, या मेरे डाउनलाइन मुझसे कहती है कि सर आप उससे उस व्यक्ति से मिल लो तो सर आप मिलोगे तो वो मोटिवेट हो जाएगा, राइट। मैं हमेशा हर एक को एक जवाब देता हूँ कि उससे स्वयं ईश्वर भी मिलेगा ना तो वो इंसान मोटिवेट नहीं हो सकता। मैं बड़ा करेक्ट, क्लियरली आपसे बोल रहा हूँ यहाँ पर, आदमी के पास मोटिवेशन के लिए उसका जिंदा होना भी बहुत अजीब भाई। एंड इफ यू हैव फैमिली, यू हैव थाउजेंड्स, नहीं, आपके पास लाखों कारण हैं खुद को मोटिवेट रखने के लिए। मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया, और मैं जानता हूं किसी भी चैंपियन को कोई दूसरा व्यक्ति कभी मोटिवेट नहीं करता, उसके इमोशंस उसका मोटिवेशन का कारण होता है। मैंने जो सोचना शुरू किया मेरी फैमिली को लेकर कि मैं बहुत छोटा हूं और मुझे, मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं बेसिकली, तो मुझे लगता था कि मैं जल्दी से बड़ा हूं, जल्दी से मैच्योर हूं, ताकि मैं अपने फादर को जो मैं हार्ड वर्क करते देखता हूं मैं उनको कुछ हेल्प कर सकूं। सो दैट वॉज माई रीजन। एंड मुझे लगता है हर व्यक्ति के पास जीवन में इस तरह के हजारों रीजन होते हैं, बस उन्हें अपने अपने उन रीजन के साथ इमोशनली अटैच होने की जरूरत है। सो बिल्कुल दैट इज हाउ मैं उस जर्नी में था, और उसी दौरान मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के बारे में मेरे एक, आई वुड लाइक टू से थैंक्स, मेरे एक रिलेटिव के जरिए से वो किसी व्यक्ति को लेकर आए अपने साथ में, और उनके जरिए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला। और चूंकि मेरा अभी फोकस था पूरी तरह से जॉब, और जॉब के बाद पैसे कमाना, और पैसे कमाने के बाद बिजनेस करना, लेकिन जब उन्होंने मुझे ये मॉडल दिखाया बिजनेस करने का, तो मैं आपको सच बताऊं, जैसे मुझे ध्यान है मैं 19 से 1 साल का रहा हूँ उस समय, मैं इतना इंस्पायर्ड हुआ कि मैंने उनको 85 बार थैंक्स बोला। और प्लान डिस्ट्रीब्यूशन समझ में किसी को नहीं आता, लेकिन बेसिक मॉडल समझ में मुझे आ गया था कि एक प्लान ऐसा तो सर किसी को भी पहली नहीं बार में समझ में नहीं आता। आता, राइट, लेकिन मॉडल समझ में मुझे आ गया था कि यार इस बिजनेस के अंदर आपको आपको एक टीम बनानी है कंज्यूमर्स की, और जितना बड़ा नेटवर्क आप बना सकते हैं, राइट, टर्नओवर होगा और आपके पास पैसा आएगा आज मेहनत करके और कल रॉयल्टी के रूप में। तो मैंने उनसे मैगजीन ले ली, और मैं उनको 20 बार मैंने थैंक यू बोला होगा, कि मैंने कहा भाई चूंकि यहाँ पर लगा हुआ हूँ, फोकस कर रहा हूँ जॉब पर, तो मैं जिस दिन पहली सैलरी आएगी, बिकॉज अब मेरी हिम्मत नहीं है पापा से दोबारा से 6,000 मांगने की, उसमें शुरुआत करने के लिए 6,000 चाहिए थे। मैंने कहा एक बार उन्होंने उनसे मैंने लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मांगूंगा तो दूंगा, लेकिन मेरा मेरा तो दिल करता कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, तो मैं पहली सैलरी जो मेरी आएगी आई विल स्टार्ट दिस बिजनेस। और उनसे मैंने मैगजीन वो मांग ली थी, जिस मैगजीन ने तकरीबन 1-1.5 साल मुझे लगा मेरे जॉब के अंदर, जॉब पर पहुंचने में, और उस मैगजीन, वो मैगजीन मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनी। तो मैं ये भी और आपके आपके जरिए से लोगों से कहना चाहूंगा कि जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, सफलता इसलिए बाकी किसी प्रोफेशन के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि बाकी किसी प्रोफेशन के अंदर कोई सफल व्यक्ति कभी भी आपके पास आकर आपको अपनी सफलता के राज, आपको सफल होने के कारण, आपको आपको वो इंस्पायर करने के लिए आपके घर कभी नहीं आएगा, एफर्ट ही नहीं डालेगा, एफर्ट कोशिश नहीं भी नहीं डालेगा। करेगा। लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी प्यारी है, और ये माध्यम इतना कमाल कि यहाँ पर हर एक सफल व्यक्ति वो आपको अपनी कहानी क्यों सुनाता है, वो सफल हो चुका ऑलरेडी, लेकिन एक्चुअल इस इंडस्ट्री का जो थीम है काम करने का, वो थीम ही एक चीज का है कि आप जितने ज्यादा लोगों की सफलता का कारण बनेंगे, कारण आप बनेंगे, स्वयं को उतना उतना सफलता के ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। बिल्कुल एक बिल्कुल इंटरेस्ट जनरेट होता है हर सफल व्यक्ति का कि वो दुनिया को सफल बनाने में मदद करे, और राइट। इसीलिए इंडस्ट्री के अंदर टेस्टिमनीज, यू नो, मैगजीन्स या वीडियोस, इसके जरिए से लोग संपर्क करने की कोशिश करते हैं और ये अवेयरनेस फैलाते हैं। तो मेरे पास वो मैगजीन रही, और अनायास उस मैगजीन को, जब तक मेरा जॉब लगा, 1 साल लगभग लगा, 1-1.5 साल, तो उसको मैं हमेशा अपने पास रखता था और पढ़ता रहता था। तो मेरे सपने और भरोसा लगातार बढ़ा, और जैसे ही मेरी जॉब अपॉइंटमेंट लेटर आया मेरे पास में, मैं तुरंत उनके पास गया जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था, और मैंने उनसे कहा कि आई वुड लाइक टू स्टार्ट नाउ, जिसका इंतजार था वो पूरा हो गया। तो एक अच्छा इंसिडेंट हुआ कि मानो पड़ा कि उन्होंने तभी लगभग 2-3 महीने के बाद जब मुझे बताया था, तभी उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया छोड़ दिया जैसे यूजुअली लोग करते हैं, मतलब वो एनर्जी के था। साथ शुरू हुआ और फिर लोग वो करते हैं जी, उन्होंने छोड़ दिया। और क्यों छोड़ दिया, कि यार हमने कई लोगों को बताया, आपको भी बताया था, आपने भी नहीं किया, लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने किया भी, तो बाद में आकर उन्होंने हमारे फोन उठाने बंद कर दिए, हमको लगा संबंध खराब हो जाएंगे, तो इसलिए हमें लगा कि फिर ऐसा बिजनेस हिंदुस्तान में नहीं चलेगा और बरेली में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, राइट, तो हमने इसलिए खुद भी बंद कर दिया। लेकिन मैं जैसे आपसे कह रहा हूं कि जब आपके पास कारण होता है तो रास्ता होगा बहुत अच्छा, नहीं होगा तो आप निकाल लेंगे, उस निकाल जी आपके लेंगे। अंदर होनी चाहिए। मुझे चाहिए था, मुझे एंटर करना था इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि मेरे उस 1.5 साल 1 साल के अंदर वो तमाम सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी पढ़ पढ़ के विश्वास और सपने दोनों इतने बढ़ चुके थे कि मुझे पीछे आना ही नहीं था, बस मुझे आगे बढ़ने का रास्ता चाहिए था। और जब आप वाकई में कुछ ही तलाश करते हैं तो पूरी प्रकृति आपकी मदद में लगती है,
तो मुझे एक और व्यक्ति जो इलाहाबाद से थे मेरे शहर में आए और उनके उनसे मिलने का मुझे मौका मिला, और इस तरीके से दूसरी कंपनी, भारत की जो पहली कंपनी थी, उसके साथ मेरे नेटवर्क मार्केटिंग सफर की शुरुआत हुई। और 3 महीने मुझे हुए थे जब से इंडस्ट्री के अंदर, तो 3 महीने के अंदर मैं जो प्रैक्टिकली कर रहा था, टीमें बनाना शुरू कर चुका था, तो विश्वास मेरा बढ़ गया और मुझे लगा कि मेरा जॉब का टाइम मेरे इस बिजनेस को बिल्ड करने में रुकावट बन रहा है। सो आई डिसाइडेड टू रिजाइन माय जॉब एंड आई टुक दिस इंडस्ट्री एज ए फुल टाइम कैरियर सिंस 2001 अप्रैल, आई रिमेंबर राइट। उम्र रही होगी शायद 21 साल की 21 साल की, एंड तब से लेकर आज तक जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मैं अचीव कर पाया, क्योंकि जैसे अचीव होता है वैसे और बड़े सपने देखने की हिम्मत आती है, और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पर स्काई इज द लिमिट है। सो वो सब आगे बनना शुरू हुआ। यहाँ पे एक चीज में जरूर स्ट्रेस करना चाहूंगा, जो क्विट किया आपने जिस जॉब को, आई थिंक वो शायद गवर्नमेंट जॉब, एब्सोल्युटली। ये मैं इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूँ कि दुनिया में आज भी हिंदुस्तान में एक मध्यम वर्गीय परिवार की जब हम बात करते हैं तो सबसे सिक्योर क्या है, जो एक हमने बात कही कि मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ड्रीम नहीं होता है, पहले सिक्योरिटी होती है, और वो गवर्नमेंट जॉब से बड़ा सिक्योर आज तक लोग सबसे ज्यादा उसी को सिक्योर मानते हैं जी। मैं आपको आज का इत्तेफाक बताऊं, आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक पर था, तो हमारे यहाँ जहां मैं रहता हूँ कॉलोनी में, तो बहुत अच्छी जगह है, तो वहां पर बहुत सारे लोग सुबह को मॉर्निंग वॉक करते हैं। जब मैं वॉक पे था तो वहां पर कुछ लोग होता है आगे पीछे हम लोग साथ हो जाते हैं राइट, तो कोई जॉब वालों का ग्रुप चल रहा था और वो आपस में बात कर रहे थे राइट, तो मैं साथ साथ चल रहा था उनके, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी उस समय, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी राइट। उन्होंने कहा कि पता है किस्मत का कितना धन्यवाद है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, हमारे पास तो फिर भी कुछ आ रहा है आज इस लॉकडाउन के दौर में, बाकी तमाम बिजनेस तबाह हो चुके हैं, तमाम नौकरियों में बांधे पड़े हुए हैं। तो मैं ऊपर देखकर ऊपर वाले को शुक्रिया अदा कर रहा था, और मुझे उस फैसले पर और बारी सर पर और कन्वर सर पर और हमारे पूरे मैनेजमेंट पर मैं बड़ा बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहा था कि लोग कितने अनजान हैं अभी हमारी इंडस्ट्री से राइट, जहां पर वो सिर्फ सर्वाइवल अमाउंट के लिए भी देयर फीलिंग दैट देयर अचीव एवरीथिंग, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर इस लॉकडाउन के टाइम पर भी लोगों के चेक्स बढ़ के आ रहे हैं और महीने भी आर सर्वाइवल की बात ही नहीं है, अभी भी ग्रोथ की बात हो रही है, अभी भी इस समय भी राइट, वी आर रेगुलरली इन ग्रोथ। तो उसके बाद में फुल टाइम हुआ, हालांकि वो डिसीजन स्ट्रॉन्ग टफ था मेरे लिए, मैं बताऊं पापा के अलावा बाकी किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया उस डिसीजन के लिए। देखिए फिर वही होता है कि लोग गलत नहीं है, हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस और अपना परसेप्शन होता है जीवन जीने के, उनके अपने उसूल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, और सबको लगता था कि मेरा डिसीजन गलत है, जॉब को छोड़ना मतलब बहुत बड़ा पागलपन है, वो भी मिडिल क्लास के अंदर, और वो भी हम जिस प्रोफाइल से आते हैं सक्सेना फैमिली से आते हैं, तो हर चीज अगेंस्ट थी जॉब को छोड़ने के लिए, और लोगों ने साथ इसलिए छोड़ दिया कि कहीं ऐसा ना हो कल को जब ये 100% जब ये यू नो बर्बाद होगा तो फिर यू नो हमारे साथ ही हम पर हमारे कहीं ना कहीं सपोर्ट ना मांगना शुरू कर दिया। बट पापा का बहुत सपोर्ट रहा, और उन्होंने एक ही बात बोला कि if you think you can achieve, तो कोई साथ हो या ना हो आप ही कारण बनोगे सफलता का, और अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो आपको आगे बढ़ना है, मैं साथ खड़ा हुआ हूँ, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है, मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि जितने लोग भी हमारी इंडस्ट्री के अंदर आज काम कर रहे हैं, मैं आज सोचता हूँ कि मेरी सफलता में ये बहुत बड़ा मील का पत्थर था राइट, बिकॉज आप जब आप बिजनेस करते हैं तो दुनिया को तो आपको आपको जवाब देना है, बिकॉज दुनिया के अंदर हर आदमी कोशिश करेगा कि आप सफल ना बने, आप उसकी भीड़ से अलग ना जाए राइट, और आपको सफल होने के लिए जो सबसे बड़ा पावर कहीं से चाहिए होती है वो होती है आपका परिवार, जो फाइनली आपकी सक्सेस में पार्टिसिपेट करते हैं राइट, आप सक्सेस उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करते हैं और सक्सेस उन्हीं के लिए आप बनते हैं ठीक है। तो अगर परिवार आपका आपकी सक्सेस में साथ देता है, अगर परिवार आपके गोल में आपका साथ देता है, अगर परिवार आपके साथ आपके बिजनेस को समझता है, आपके मॉडल को समझता है, तो मुझे लगता है फिर आप दुनिया से लड़ने के लिए आपके अंदर सारी ताकत सारी शक्ति आ जाती है, और जो मेरे साथ हुआ, मेरे फादर अगर मेरा उसमें साथ नहीं देते तो शायद मेरे लिए थोड़ा चैलेंज बढ़ता, मतलब मुझे, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं छोड़ देता, लेकिन मुझे विद्रो करना पड़ता राइट उनके साथ भी, क्योंकि मेरा सपने इतने बड़े थे, भरोसा खुद इतना ज्यादा था, लेकिन उनका ऐसा कहना मुझे बहुत संबल दे गया, मुझे बहुत सपोर्ट दे गया, एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। एंड 7वें महीने मेरी 10,000 की जो जॉब थी सैलरी थी उससे ऊपर मैंने इस बिजनेस में मेरा चेक आया 7th मंथ में, एंड देन आफ्टर आई जस्ट नेवर लुक बैक, और 2008 तक मैं उस कंपनी के साथ रहा राइट, और तकरीबन 50-60 हज़ार रुपए महीने की आमदनी 2006 में 2007 में पूरे हुए, फॉरेन ट्रिप मेरे घर से कभी कोई नहीं गया था, और उस कंपनी में मैं 5 बार फॉरेन गया राइट, स्कूटर बाइक उस पापा का सपोर्ट था, और उसके बाद फाइनली फिर मैं 4 पहिया, मेरा एक ड्रीम था कि जब मेरा परिवार स्पीड में बन चुका था, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी बेटी जब हुई तो मेरा टारगेट था कि जब वो होगी तो मैं उसको 2-व्हीलर पर कभी जर्नी नहीं कराऊंगा, स्कूटर मोटरसाइकिल पर नहीं घुमाऊंगा राइट, और किसी दोस्त का इंतजार नहीं करूंगा कि वो कार लेकर आए तो हम घूमने जाएं,
ठीक है, तो मुझे उसके लिए गाड़ी लेनी जरूर है, एंड इट हैपेंस। तो जितने सपने देखे वो सब अचीव करने का कारण था, काम किया और वो अचीव जरूर हुए। 2008 तक मैं उसका साथ रहा, एंड फिर सपनों की वजह से ही मैं उस कंपनी को मैंने छोड़ा, क्योंकि मेरा टारगेट था 1,00,000 रुपये महीना कमाना, जो वहां पर संभव होता नहीं दिख रहा था मुझे, लाइक बिकॉज इन दिस बिजनेस हमारा काम है नेटवर्क बनाना और टर्नओवर बढ़ाना। तो आई वॉज डूइंग दैट, नेटवर्क भी बढ़ रहा था, टर्नओवर भी बढ़ रहा था, बट फिर भी चेक नहीं बढ़ रहा था। तो 1-2 साल मैं सोचता रहा, समझता रहा, फिर समझ में आया कि शायद कंपनी के मार्केटिंग प्लान का बहुत बड़ा रोल है, और कंपनी के मार्केटिंग प्लान से ज्यादा कंपनी की सोच और नीयत का बहुत बड़ा रोल होता है, सोच का बहुत बड़ा फर्क। राइट, तो जब तक वो नहीं चाहेगी तब तक आपको आपको ग्रो करने में मुश्किल होगी हमेशा। तो दैट इज हाउ मैंने वहां से बाहर निकलने का फैसला किया 8 साल के बाद में। और बाली सर से वो मेरा लकी डे था, जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, जिस दिन बाली सर से के साथ मौका मिला इस बिजनेस में जो मेरे अपलाइन है, और हम दोनों ही लोग 7 फरवरी 2008 को बाली सर से मिले। राइट, और वो मैं बोलूंगा मेरी जिंदगी का मतलब लकीएस्ट डे, सबसे बड़ा दिन मैं उसको मानता हूँ। राइट, शायद वो दिन अगर नहीं आता तो आज आपके सामने मैं यहाँ पर नहीं होता। और उनके साथ डिस्कस हुआ इस इंडस्ट्री के और ज्यादा गहराइयों को मैंने समझने में मुझे सफलता मिली, और इस तरीके से वेस्टीज के साथ मेरा सफर शुरू हुआ। और 29th of February 2008 I started Vestige officially।